ऑप्शन नंबर 41 के लिए बी इक्वल टू वॉट, बी इक्वल टू क्या है माइनस ए इनवर्स इनटू बी ए है, क्या होना ये, देन ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए देख लो, क्वेश्चन नंबर 41 के लिए क्या है, 41 के लिए b इक्वल टू ए इनवर्स बी ए, यानी व्हाट, हाँ क्या क्या आ सकता है यहाँ पर, हाँ क्या इक्वल जाना ए न मल्टीप्लाई कर ए बी इक्वल टू माइनस ए इंटू ए इनवर्स इंटू बी ए है, क्या लो इक्वल ए बी इक्वल टू माइनस आई इंटू बी ए, यानी व्हाट ए बी इक्वल टू बी ए माइनस बी है, देन ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्सपांशन इसका ऐसा आता मालूम है ना, ये ऐसा ले सकते हैं ए स्क्वायर यानी व्हाट ए प्लस बी इंटू व्हाट ए प्लस बी है, देन ए इंटू ए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर है, ये ऐसा आता। अब ए बी इक्वल टू माइनस बी है ना, यूजिंग दिस दिस विल गेट कैंसल, ए बी इक्वल टू माइनस बी ए है, फिर क्या आता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है तुम्हारे ये क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42 के लिए देखो, क्वेश्चन नंबर 42 के लिए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए उसका मॉड और इसका इनवर्स, ये क्वेश्चन नंबर 42 के लिए देखो प्रॉपर्टी यू नो वेरी वेल, हमारे लिए प्रॉपर्टी है ए इंटू एडजॉइंट ए यानी मॉड ए इंटू आर, यू नो ए प्रॉपर्टी देख लो, थ्योरी का प्रॉपर्टी है, थ्योरी में प्रॉब्लम है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ए इंटू आर, देन क्या है इसके लिए यार एडजॉइंट ए है, देयरफॉर एडजॉइंट ए का इनवर्स है ना, एडजॉइंट एडजॉइंट इक्वल कितना आता है ए बाय कितना आता है मॉड ए बाय ए आता मॉड ए बाय ए, अब इसका इनवर्स एडजॉइंट ए इसका इनवर्स यानी उल्टा करो इसको ए बाय मॉड ए, ये है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन नंबर बी, देन क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, देन क्वेश्चन नंबर 43 के लिए है क्वेश्चन नंबर 43, हाँ देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 43, हाँ क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, हाँ सुनो क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, हाँ ये है क्वेश्चन नंबर 43, देख लो क्वेश्चन नंबर 43 क्या है हमारे पास, 43 के लिए हमारे पास है, देख लो ये ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वेयर, हाँ प्रॉपर्टी ये ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वेयर, यानी समझता नहीं है, क्वेश्चन नंबर 43 के लिए देखो क्या है ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वेयर, क्वेश्चन नंबर 43 देन क्या आता है ये ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू और एक ए से मल्टीप्लाई यानी ये ऐसा होता है ना, देन क्या आता है ये आर ए इंटू इनवर्स यानी आर एटा ए रेस टू कितना है 3 है ना, ए रेस टू 3, अब इसका डिटरमिनेंट ले लो इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ व्हाट आई, आई का डिटरमिनेंट मालूम कितना आता है इक्वल टू 1 है ना, इक्वल टू कितना आता 1, अब ये डेट ऑफ ए इसका ये पूरा इसका क्यूब है ना, डेट ऑफ ए डेट डेट ऑफ ए क्यूब है ना, डेट ऑफ ए क्यूब एंड यू कैन टेक कंपल्सरी डेट ए का क्यूब इक्वल टू कंपल्सरी आई आई यानी 1, ये है आंसर 1 क्वेश्चन नंबर 43 के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी 1, देन क्वेश्चन नंबर 44 के लिए देखो क्वेश्चन नंबर 44, हाँ क्या है ये क्वेश्चन नंबर 44 एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 4, देन 4x प्लस 5y प्लस 4z इक्वल टू 15,
अब ये जो इक्वेशन है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इसको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते इसके लिए तो ये सॉल्व करते हैं बेटा यू कैन रिडक्शन मेथड यूज करो इनवर्स है मेरा बहुत लेंगे ज्यादा से ज्यादा रिडक्शन सिंपली क्या करना ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करना क्वेश्चन नंबर 44 के लिए तुम कंपलसरी ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करो अभी ए ऑप्शन में ए ऑप्शन क्या है ये 2 ए ऑप्शन के लिए ऑप्शन नंबर ए 2 y का वैल्यू कितना है -1 यानी 2 z का वैल्यू कितना है -3 3 = 9 है ये आता ये -9 इक्वल टू +9 पॉसिबल नहीं ये पॉसिबल नहीं यार देख लो सिमिलर ऑप्शन बी को देखो से उसी तरह वो भी नहीं आता सी के लिए आओ क्या ए बी सी व्हाटएवर में हर एक चेक करवा x का वैल्यू क्या है 2 y का वैल्यू -2 देन छठ के लिए 3 3 9 इक्वल टू 9 कैंसिल हो रहा है ये एक शुरू आ रहा उसी तरह तुम क्या करना ये b के लिए सॉल्व सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन दोनों के लिए चेक करो ऑप्शन नंबर c 2 -1 3 ये ऑप्शन नंबर c आता क्वेश्चन नंबर 44 के लिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए ऑप्शन नंबर c आता अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत अच्छी तरह से देख लो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है रिडक्शन मेथड यूज करो ना सबसे अच्छा ये लीनियर इक्वेशन के लिए ए बी सी डी ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करना ये जो लीनियर इक्वेशन है इनके लिए ऑप्शन सबसे बेस्ट वे ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके देख लो बहुत इजी है देन ये क्वेश्चन नंबर 45 के लिए क्वेश्चन नंबर 45 कहेंगे 2x - 3y + 6z = 4 देन 5x + 7y है -14z = 1 बाद में क्या है ये 3x + 2y - 4z = 6 है ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 45 के लिए तुम इसको यहाँ पर ऐसा थोड़ा अलग अलग आया था इसका ए जो है ना ए मैट्रिक्स यानी और इसका डिटरमिनेंट कितना आता 2 - 3 6 5 7 - 14 3 2 - 4 इफ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 इफ अब ये जो है इसको सॉल्व करो इसका वैल्यू यू विल गेट 0 यानी ये मैं तो फिर कम से कम और इसके साथ साथ तो मैं भी नहीं एटलीस्ट ये जो डिटरमिनेंट ए वन यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ए टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई ए थ्री कोएफिशिएंट ऑफ जेड इनमें से एटलीस्ट एक तो भी नॉन जीरो होना देन यू विल गेट नो सॉल्यूशन इट हैज नो सॉल्यूशन ये जो है ये पूरा ये तीनों में से एक तो भी नॉन जीरो होना डिटरमिनेंट अब ए वन समझता ना A1 यानी what? A1 यानी in place of x ये जो x के टर्म्स है ना in place of 4 1 ये कांस्टेंट है ना -3 7 2 और 6 - 14 - 4 ये A1 A2 A3 उनमें से एक तो भी नॉन जीरो होना then you will get no solution क्वेश्चन नंबर ये 45 के लिए then क्वेश्चन नंबर 46 देख लो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आवाज क्वेश्चन नंबर 46 ये सॉल्व करके देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में हमारे पास है हाँ देखो ये 3x + y - z = 0 देन 5x + 2y - 3z = 2 और ये 15x + 6y - 9z = 5 और एक नो सॉल्यूशन के लिए और एक डिफरेंट वे है ये 5 3 2 3 और 3 3 इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता यानी 15x + 6y - 9z = कितना ये 5 2 3 6 है दोनों सेम यानी व्हाट a1 / a2 b1 / b2 c1 / c2 है दीज आर नॉट ये है और ये इज नॉट इक्वल टू सी d1 / d2 यानी ये इक्वल नहीं है इट इज नोन एज ये है तुम्हारे लिए नो सॉल्यूशन
लाइन पैरेलल पैरेलल लाइन चाहिए और नो सॉल्यूशन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 46 के लिए हमने देखा था ये क्या ये 15 5 3 2 3 3 3 मल्टीप्लाई करा यू विल गेट सेम यानी प्रोपोर्शन a1 / a2 b1 / c2 इज नॉट इक्वल टू d1 / d2 यानी नो सॉल्यूशन है ये नो सॉल्यूशन के लिए और एक कंडीशन है देन 48 के लिए 48 के लिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए देखो तुम्हारे पास क्या है ना ये क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 48 सॉरी 46 के बाद 47 देखो 47 के लिए ये क्या है ये x - 2y + z - -4 2x - y + 2z = 2 देन x + y + λz = 4 है यहां पर है नो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन यानी पहली कंडीशन इक्वल टू 0 1 - 2 1 2 - 1 2 1 1λ है 1 × -λ - 2 -1 + 2 × क्या है 2λ - 2 ये 2λ - 2 और बाद में +1 × क्या है ये 2 - -+1 है -λ - 2 + 4λ - 4 + क्या है 3 = 0 है हाँ -λ + 3λ है ये 6 -3 यानी व्हाट ये 3 आता यानी λ = 1 यह है ऑप्शन नंबर बी 47 के लिए क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन नंबर बी देन 48 के लिए बात क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 48 क्या है 48 क्वेश्चन लिख के जाओ बराबर क्वेश्चन नंबर 48 हाँ क्वेश्चन नंबर 48 के लिए एडी क्वेश्चन नंबर 48 x2 - x3 - x1 + 2x3 और ये x1 - 2x2 = 3 ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 48 है ना 48 के लिए क्या हम ऐसा ले सकते इसको क्या ये देख लो ये ए ए यानी वन वन जीरो वन माइनस वन -1 = 2 और ये 1 - 2 = 0 इफ ये 0 है ना ये क्या है इफ ये 0 है सपोज ये 0 है देखो क्या आता है 0 × 0 - ये छोड़ दो 0 × whatever - 1 × 0 - 2 अब ये -1 × क्या है ये 2 - 0 फिर -1 + 2 - 2 = 0 आ रहा यानी अब उसके साथ साथ बाकी a1 a2 a3 mod a1 mod a2 mod a3 उनमें से एक तो भी 0 होना एटलीस्ट 1 = 0 देन नो सॉल्यूशन अब नो सॉल्यूशन यानी व्हाट यहां पर ऑप्शन कैसे है हमारे पास नो सॉल्यूशन यानी ऑप्शंस है हमारे पास 0 solution, 2 solution, 1 solution नो सॉल्यूशन यानी 0 सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर ए देन क्वेश्चन नंबर 49 के लिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए तुम सॉल्व कर सकते हो 49 के लिए होमवर्क कर लो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द ऑप्शंस ये सी है 49 के लिए सी देन 50 के लिए x + 3y = 7 देन -2x - 6y = 14 है हाँ माइनस टू है टू से मल्टीप्लाई करो क्या था ये 2 है माइनस काम करो माइनस टू से डिवाइड करो इज डिवाइडेड बाय -2 इज डिवाइडेड बाय -2 कितना था ये एक्स ये 3 और ये सेम है ना पूरा सेम सेम यानी व्हाट अगेन नो सॉल्यूशन 50 के लिए नो सॉल्यूशन
देन क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन नंबर 51 देख लो आप क्या है क्वेश्चन नंबर 51 है क्वेश्चन नंबर 51 ये है क्वेश्चन नंबर 51 के लिए देखो क्या सिस्टम है नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन अब ये कंडीशन याद रखो सॉल्व करते हुए बैठो आप बहुत लंबा मैटर है यू शुड नो तुम्हें मालूम होना सी एस प्लस ए वाई प्लस पीरियड ये पूरे जीरो है यानी वॉट हैव ए बी सी BCA, CAB ऐसा ये है नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन यानी कंपलसरी A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो और A इक्वल टू जीरो B इक्वल टू जीरो और C इक्वल एंड C इक्वल टू जीरो ये ऐसा हो सकता है अब इसको सॉल्व करते हैं मैं कंडीशन लेनी है सिर्फ याद रखो ये A B C B C A C A B के साइड में जीरो इट इज नोन एज ये हैव नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन यानी कंपलसरी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकलता है जीरो और ए इक्वल जीरो बी इक्वल जीरो एंड सी इक्वल टू जीरो देन क्वेश्चन नंबर 52 के लिए देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 52 ये क्वेश्चन नंबर 51 के बाद 52 देखो क्या है ये 52 ए बी इक्वल टू आर है B इक्वल टू ए डैश ए इंटू बी इक्वल टू वॉट ए डैश इक्वल टू आई है फिर क्या आता मालूम है B इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए ए डैश यानी समझ में आता ये तुम A इनवर्स इक्वल टू A बोल सकते ना ये A कैंसिल होता ना B इक्वल टू ए डैश हमारा डेफिनेशन ये ए बी आई ए बी डैश इक्वल टू आई और A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू यानी व्हाट क्या आता है ये ए डैश इक्वल टू ए इनवर्स है ए डैश इक्वल टू ए इनवर्स ये तो सेम है ये दोनों भी सेम है यानी कंपलसरी यू विल गेट ए डैश इक्वल टू ए इनवर्स यानी ये ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास सी है ना ये दोनों सेम है यहां पर क्या है ये डैश है ए बी इक्वल टू आई बी यानी ए डैश ए इंटू ए डैश इक्वल टू आई अब ये दोनों सेम है यानी ये दोनों सेम डैश इक्वल टू इनवर्स ये है ऑप्शन नंबर तुम्हारे पास सी है 52 के लिए सी ऑप्शन देन क्वेश्चन नंबर सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 52 है ये ऐसा था सी है देन क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 53 के लिए वही फॉर्म है हमारा नेक्स्ट पीछे पीछे क्वेश्चन हुआ था 53 के लिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए हमारे पास देखो थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 के लिए क्या ये एडजॉइंट हमारे ये क्वेश्चन जो है 53 के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ऐसा है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू बना ये 53 के लिए क्वेश्चन होगा क्वेश्चन मेरे पास आगे पीछे है शीट इज नॉट अवेलेबल हियर देख लो क्या ये हाँ फार्मूला एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेस टू एन माइनस टू इनटू ए ये फार्मूला याद रखो अगर एन यानी वॉट जो भी है वो नंबर ऑफ रोज इन ए अब ये कितना आता है ऑर्डर थ्री या थ्री माइनस वन रोज यानी वॉट नंबर ऑफ रोज यानी नंबर ऑफ रोज थ्री माइनस टू यानी वन इंटू ए थ्री माइनस टू यानी वन इंटू ए अब इसका एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए उसके लिए क्या बताइए है नहीं डिटरमिनेंट ऑफ मालूम नहीं क्या आता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए ये ऐसा आता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए अब डिटरमिनेंट ये मालूम है इसका वैल्यू रेट ऑफ ए रेट ऑफ ए नंबर ऑफ समझता है नंबर ऑफ ए रेस टू थ्री है ना ये इसका डिटरमिनेंट और इसका ये क्यू आई ये कैसा है मॉड ए इंटू आई आता यानी व्हाट ये ऐसा मॉड ए जीरो 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 मॉड ए जीरो 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 मॉड ऐसा आता नहीं
ये हमारा क्या था, ये मॉड ए का क्यूब था, याद रखो इसका वैल्यू, ये हम ऐसा ले सकते हैं यहाँ पर, ये ऐसा है ये क्यूब इंटू इधर वाला ये मीटर सिटी, कितना ये इसका वैल्यू इक्वल टू इसका क्यूब है, क्यूब इंटू इसका मॉड, यानी व्हाट मॉड ए इज टू फोर, ये है हमारे लिए ऑप्शन नंबर 53 के लिए ए। देख लो ऑप्शन नंबर 53 के लिए ऑप्शन नंबर ए, देन 54 और 55 देख लो, क्या है क्वेश्चन नंबर 54 के लिए सेम होने, क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 53 के बाद क्वेश्चन नंबर 54 सेम वही फॉर्म में क्वेश्चन है, देख लो क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस 3 = 6, देन एक्स प्लस 2y प्लस 3z = 10, अब ये एक्स प्लस 2y प्लस 3z दोनों तो सेम है ना, ए वन बाय ए टू बी वन बाय बी टू सी वन बाय सी टू, और ये सेम प्रपोर्शन में है, यानी इट हैज कंपल्सरी नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन यानी ऑप्शन नंबर सी 54 के लिए, क्वेश्चन नंबर 54 के लिए ऑप्शन नंबर सी। अब ये भी है नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट वन विल बी लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, ये हमारा मैट्रिसेस में जो रिवीजन, इट्स रिवीजन चैप्टर है ओनली, रिवीजन के लिए 50 to 55 क्वेश्चंस आर हियर, ये क्या है सिस्टम है नॉन जीरो सॉल्यूशन, यानी व्हाट, पहला इक्वेशन क्या है, पहला लैम्डा स्क्वायर वाई का कोएफिशिएंट इसका स्क्वायर जेड का कोएफिशिएंट इसका स्क्वायर है ना, देन दूसरा ये लैम्डा लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 2 तीसरा 1 1 राइट, ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 55, ये आई थिंक यहां पर क्यूब है लास्ट, इसमें थोड़ा सा देख लो पहले इसमें मिस्टेक्स है, वहां पर ये क्यूब है हर तरफ क्यूब है, पहले इक्वेशन में करेक्शन कर लो, लैम्डा क्यूब है, ये लैम्डा प्लस 1 का क्यूब है और ये लैम्डा प्लस 1 का यहां पर भी क्यूब है, या इनमें से हम कहते हैं जेलस हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन यानी इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 55 के लिए नॉन जीरो सॉल्यूशन यानी कंपल्सरी क्या था ये है, ये इक्वल टू 0, देन हम इसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, ये आर वन पहले रो के लिए 1 1 होना ये, तो आर वन आर थ्री हम चेंज करेंगे, क्या ये आर वन थ्री यानी वॉट 1 1 1, बाद में लैम्डा लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा का क्यूब लैम्डा प्लस 1 का क्यूब और लैम्डा प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 0 है, अब इसमें से कौन सा माइनस हो सकता है, देखो क्या आता ये, हाँ देख लो फिर क्या आता यहां पर है, अब ये दोनों सॉल्व हो सकते ना, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, यानी सी टू माइनस सी वन और सी थ्री माइनस सी वन, फिर क्या आता मेरे पास 1 λ λ³ 1 - 1 0 λ - λ 0 बचता, अब ये लैम्डा प्लस 1 का क्यूब माइनस लैम्डा 2, अब ये 1 - 1 0 है, देन लैम्डा लैम्डा कैंसिल यानी 2, अब ये लैम्डा प्लस 2 का क्यूब माइनस लैम्डा का ऐसा होता है 0, अब ये सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या बचा, ओनली ये तो दोनों 0 है ना, ओनली एक शॉर्ट तो 1 × क्या है दिस 1 लैम्डा प्लस 2 का क्यूब माइनस लैम्डा 2 है, अब ये माइनस ये 2 × क्या है लैम्डा प्लस 1 का क्यूब माइनस लैम्डा 2, इसको सॉल्व करने के बाद इक्वल टू 0 क्या मिलता है, ये लैम्डा क्यूब प्लस 3 है ना, इसको एक्सपांड करो तुम, इसको ऑप्शन में से वैल्यू भी यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन में से वैल्यू सेलेक्ट करके इक्वल टू 0 होना, ऑप्शन में से वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद इसमें से अब ये तुम ऑप्शन में देखो क्या क्या है हमारे पास, शायद हम ऑप्शन नंबर एक है सी में से क्या है, सी कौन सा भी ले लो, सपोज मैंने ये सी ले लिया ऐसा है ए बी सी कांस्टेंट, इसको एक्सपांड करने की बजाय
एबीसीडी ऑप्शन में से वैल्यू तुम सेलेक्ट करो। सपोज मैंने लैम्डा को माइनस वन सेलेक्ट कर लिया, माइनस वन प्लस वन प्लस टू का टू यानी वन, माइनस वन का टू यानी माइनस माइनस प्लस वन है, माइनस टू इंटू कितना आता है माइनस वन आता है, टू इंटू माइनस वन प्लस वन जीरो यानी टू, माइनस वन का टू यानी माइनस माइनस प्लस वन, ये जीरो यानी कितना आता है ये प्लस वन, ये वन आता है ना, ये क्या आता है ये देख लो, ये माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस, ये जीरो बनता है ना, टू इंटू जीरो यानी जीरो, ये माइनस माइनस क्या बनता है प्लस, यानी कितना ये बाहर टू है, वन प्लस वन यानी ये टू माइनस टू इक्वल टू जीरो, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये तुम्हारे लिए पूरा चैप्टर मैट्रिसेस है, यही फॉर्मूले पहले जो हमने सीख लिया था मैट्रिसेस का वो तुम दोबारा एक बार रिवाइज करो, रिविजन करो, दिस विल बी योर मैट्रिसेस।